सभापति महोदय, मैं झारखंड के जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। आज उस ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान है उनका समुचित सिंचाई व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान लोग का भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। 40 साल पहले सुवर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना बनाया गया था, महज 1500 करोड़ रुपया स्टार्ट हुआ तो उस समय। आज 20,000 करोड़ लागत से बना, लेकिन अभी तक नहर में पानी नहीं आया। वो झारखंड से लेकर बिहार उड़ीसा तक पानी जाना है, लेकिन वो अभी नहर तैयार नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ का जो विस्थापित का स्थिति अति दयनीय हो गया, विकास पुस्तिका बंद हो गया है। लेकिन उन्हीं से जो इफेक्टेड हुआ, जिन लोग का जमीन गया निमडी प्रखंड, और निमडी प्रखंड के भी और ईचागढ़ प्रखंड में सिंचाई का कोई नहर हुआ उस क्षेत्र से नहीं गया। और आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मांग करना चाहता हूँ, लवान मुड़ू और हेवन तीन ऐसा पॉइंट है जो केतुंगा निमडी प्रखंड के गांव आता है, उसके साथ काटिन और पटमदा होते हुए बड़ाम बंधुवन तक एक बेहतर नहर अगर बना दिया जाए तो वहाँ किसान के लिए खेती करने का बहुत अच्छा समुचित व्यवस्था होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, किसान हित में इस योजना को तुरंत किया जाए। धन्यवाद।